हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके बेटा, जल्दी से आप लोग अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकाल लीजिए, ठीक है? और मैं कौन हूँ पता है ना? यस, आई एम योर टीचर फ्रॉम एस एस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। ओके बेटा, और जो जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो पढ़ते हैं फटाफट। ओके चलिए बेटा, यस, चैप्टर का नाम क्या हमारा? दुष्ट मुखिया। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो दुष्ट मुखिया था, जो गांव के अच्छे लोग थे उनसे उसकी आमदनी नहीं हो रही थी, तो वो उनको झूठे ही राजा के पास उनको क्या करता है, फंसा देता है, है ना? तो अब राजा हुक्म क्या दिया है अभी तक कि इनको हाथी के पैरों के नीचे इन्हें कुचलवा के मरवा दिया जाए, है ना? अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है ना बेटा? यस, तो शुरू करें। यस, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ठीक, राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह उन लोगों को कुचल दे, है ना? इस प्रकार से जो लोग थे, जो महावत था यानी जो हाथी को चलाता था, उसने इस प्रकार से किया। इस प्रकार बेटा क्या हुआ कि उसने किस प्रकार कहा था? कुमार ने कहा कि जैसे हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, वैसे ही हमें राजा से भी प्यार करना चाहिए, है ना? तो हाथी मंगवाया गया है, हाथी को कुचलने के लिए खड़ा किया गया, पर वह किसी तरह आगे ना बढ़ सका। लेकिन वह जो हाथी था वो आगे नहीं बढ़ा। फिर तीसरा हाथी आया, चौथा हाथी आया, इस तरह बहुत सारे हाथी मंगवाए गए, पर एक भी आगे बढ़ नहीं सका। सभी पीछे लौट कर भाग गए, एक भी हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ और सभी हाथी क्या हुए, पीछे लौट कर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। राजा बोला कि ऐसे लगता है कि इनके हाथ में कोई दवा है कि ये सुंघा देते हैं, जिसकी वजह से हाथी इनके ऊपर चढ़ता नहीं है, कुचलता नहीं है इनको। अच्छा, इनके हाथ खुलवाओ, खुलवा कर देखो। तो फिर राजा ने कहा कि चलो इनके हाथ खुलवाओ। राजा के आदमियों ने खूब खोजा मगर कुछ भी नहीं मिला। अब राजा के हाथी खोजने लगे कि राजा के आदमी खोजने लगे कि इन आदमियों ने हाथ में क्या लिया जिसको सुनकर हाथी इनके ऊपर चढ़ता नहीं है। तो सारे आदमियों ने खोजा लेकिन कुछ मिला ही नहीं उनको। उन्होंने कहा, महाराज इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो उनके राजा के आदमियों ने कहा कि महाराज इनके हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ तंत्र मंत्र जानते, मंत्र तंत्र जानते। अब देखो, अब राजा क्या बातें बोल रहा है कि ऐसे लगता है कि ये लोग कुछ जरूर तंत्र मंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग कोई तंत्र मंत्र जानते हो? अब देखो राजा उन लोगों से पूछ रहा है, कुमार और जो उनके साथी थे गाँव वाले से पूछ रहा है कि क्या तुम लोग कोई तंत्र मंत्र जानते हो? कुमार ने कहा, महाराज हम लोग कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। तंत्र मंत्र मीन्स जैसे जादू टोना। हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, है ना? वो अब कुमार क्या बोल रहे हैं, हम जीव हत्या नहीं करते, हम किसी जीव को नहीं मारते, दूसरों के चीज़ नहीं लेते हैं, दूसरों के चीज़ों पे हक नहीं जमाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और शराब भी नहीं पीते हैं, सबको मित्र समझते हैं। यानी वो सारे भले मानस हैं, जो हो सके सो काम करते हैं, ऊंची नीचे ज़मीन को समान कर देते हैं। इस प्रकार की बातें वो राजा को बताता है कि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज हम लोग कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते, तो बस यही और कोई मंत्र नहीं जानते। तो वही बोलता है कि हम लोग यही सब काम करते हैं कि जीव हत्या नहीं करते, दूसरों की चीज़ें नहीं लेते हैं, है ना, सबको मित्र समझते हैं, तालाब खोद देते हैं लोगों के लिए, ऊंची नीची ज़मीन को समान कर देते हैं, घर बना देते हैं, और कुछ नहीं, हम लोग बस यही तंत्र मंत्र जानते हैं। राजा उनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। अब राजा उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। मुखिया की जमीन राजा जब्त कर ली और उन लोगों को उनका गांव और एक हाथी दे दिया गया। और फिर क्या किया राजा ने, मुखिया को सजा दे दी। मुखिया को जितना जमीन राजा दिया था उसको सब राजा ने ले लिया और गांव वालों को क्या किया, उनको गांव उनको दे दिया और एक हाथी भी उनको दे दिया था। किसके लिए, जैसे एक तरह से उनका क्या था, पुरस्कार था कि वो लोग इतने अच्छे काम करते थे। ठीक है बेटा, तो इससे पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो जो जीव हैं वो भी हमारी
क्या करते हैं वो भी हमको समझते हैं, देखते हैं है कि नहीं कि इन्होंने हमारी रक्षा की थी। इस प्रकार से हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में वो हमारे जो हम कर्म करते हैं वो हमारे काम आता है कि नहीं। तो बाकी हम लोग चीज़ें जो इसका क्वेश्चन आंसर है, शब्दार्थ हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।